खुद कुलदीप विश्व भाषा जुड़ गए हैं। कुलदीप जी, बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज पर। धन्यवाद। ये जो फैसला आपने लिया है सर, ऐलान आप कर चुके हैं कि आप कल बीजेपी आप ज्वाइन करेंगे, लेकिन क्यों ये फैसला आपने लिया, क्या वजह मानी जाए? जी, इस फैसले के बहुत कारण हैं, लेकिन जो सबसे मेन कारण है कि मैं माननीय नरेंद्र मोदी जी की नीतियों से बहुत प्रभावित हूँ, अमित शाह जी के कार्यशैली से बहुत प्रभावित हूँ, और हरियाणा में आदरणीय मनोहरलाल खट्टर जी की कार्यशैली से बहुत प्रभावित हूँ। मुझे लगा कि भाई जो लोग देश हित में काम करना चाहते हैं, देश की तरक्की के लिए काम करना चाहते हैं, क्यों ना मैं भी उनका हाथ मजबूत करके अपना योगदान दूं। नहीं सर, लेकिन जो आपने बात कही, आपने कल कहा अपने कार्यकर्ताओं के बीच में, आपने कहा कि सत्ता के साथ रहकर आप अपने हलके का अच्छे से विकास करवा सकते हैं, इसके क्या माने निकाले जाए? भाई, इससे पहले भी आप विधायक रहे, सांसद भी आप रहे सर, और उस वक्त भी केंद्र में आपकी सरकार थी, हरियाणा में भी सरकार रही है, ऐसा नहीं है कांग्रेस पार्टी की सरकार नहीं रही, तो तब विकास नहीं करवा पाए, अब आप विकास करवा पाएंगे सत्ता के साथ रहकर? ये थोड़ा सा लोगों को प्रश्न नहीं रहा। आपको थोड़ी जानकारी अपनी बढ़ानी चाहिए कि मैं जब भी विधायक या सांसद रहा हूँ, मैं हमेशा विपक्ष की पार्टी में रहा हूँ, थोड़ी आपकी जानकारी कम है। और दूसरा सर, मैं ये भी एक कड़ी है कि भाई हमें हरियाणा में सत्ता के साथ 26 साल 1996 में चौधरी भजन लाल जी की सरकार गई थी, तो 26 साल से हम लोग विपक्ष में हमारा हल्का रहा है, तो ये भी एक कारण रहा कि मैं चाहता हूँ विकास अभी भी करवाता हूँ। मैं अगर आप डिटेल उठा के देखेंगे, 225 करोड़ के काम तो मैं पिछले 5.5 महीने में अपने हलके में करवा चुका हूँ ऑलरेडी, लेकिन मुझे लगा कि जो और बड़े बड़े प्रोजेक्ट ला रहे हैं वो सत्ता में रह के ही तो वो भी एक कारण रहा। तो आप मानते हैं कि ये जो फैसला आपने लिया है, ये फैसला सही फैसला है, क्योंकि इससे पहले भी आपने बहुत सारे ऐसे फैसले लिए, लेकिन वो फैसले, हो सकता है आपको मेरी बात बुरी लगे, लेकिन वो फैसले साबित ठीक नहीं हुए? कौन से फैसले ठीक साबित नहीं हुआ? हमारा तो फैसले सारे सही साबित हुए, लेकिन ये फैसला जैसा मैंने कहा कार्यकर्ताओं, नेताओं और जन भावनाओं के अनुरूप मैंने लिया जी। लेकिन सर, आपकी एक छवि है और एक दिग्गज नेता आप माने जाते हैं कांग्रेस पार्टी के, और कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री के रूप में भी लोग आपको देखना चाहते हैं, कांग्रेस पार्टी में वो आपको नहीं मिला, लेकिन बीजेपी में रहते वो आपको सब मिल जाएगा जो आप चाहते हैं, उम्मीद करते हैं आप? देखिए, मैं सिर्फ बीजेपी के अंदर साधारण कार्यकर्ता की तरह काम करूंगा। मेरा सिर्फ सोच ये है कि जो लोग देश की तरक्की के बारे में सोचते हो, और वही सोच अगर मेरी भी है, तो क्यों ना हम 1 और 1 11 होकर आगे काम कर सके। बाकी हर चीज किसी नतीजे के लिए नहीं होती, मुझे ये मिलेगा तो मैं करूंगा, कम से कम मेरी सोच ये नहीं है। लेकिन एक तरफ आप कहते हैं कि मैं एक सिपाही के तौर पर, एक आम कार्यकर्ता के तौर पर बीजेपी को ज्वाइन कर रहा हूं, दूसरी तरफ आप ये भी कह देते हैं कि मैं चाहता हूं कि उपचुनाव जब भी होगा तो मेरे बेटे भव्य विष्णु वहां से चुनाव लड़े, अब इसके लिए पार्टी तैयार होगी? ये भी अपने आप में एक बड़ा सवाल। हाँ बिल्कुल, इसमें क्या गलत है? अगर कोई बाप अपने बेटे के बारे में सोचता, और कोई हल्के के लोग कहते, कल भी मेरी मीटिंग थी जी, एक तरफ ये बात सब तरफ से आई, किसी ने एक भी व्यक्ति ने मुझे ये नहीं कहा कि मैं लड़ू, सबने कहा कि आप तो केंद्र की राजनीति करिए, प्रदेश में हमें भव्य चाहिए, क्योंकि भव्य हमारे बीच में रहता है, हमें बीच में काम करता है। तो एक बाप के लिए बड़ी खुशी की बात है, लेकिन फिर भी मैंने ये कहा कि मैं चाहता हूँ, मेरे हल्के के लोग चाहते हैं कि भव्य बिश्नोई चुनाव लड़े, लेकिन फिर भी जो हाईकमान फैसला करेगा मैं उसका सम्मान करूंगा। सर, आखिरी सवाल आपसे मेरा, उम्मीद करें, जिस उम्मीद के साथ बीजेपी आप ज्वाइन करने जा रहे हैं, वो उम्मीदें आपकी पूरी होंगी, और दूसरे साथ ही 2024 का लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव बीजेपी को इससे फायदा होगा, उम्मीद करें? मुझे पूरी तो उम्मीद है कि जो एक नेता को, एक कार्यकर्ता को जो सम्मान मिलता है, वही सम्मान मुझे मेरे कार्यकर्ताओं को मिलेगा। चलिए, बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमसे बातचीत करने के लिए, समय निकालने के लिए। तो ये थे हमारे साथ कुलदीप बिश्नोई, जिन्होंने अब पाला बदलने का फैसला किया है और कांग्रेस का हाथ छोड़कर बीजेपी का